आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे भाई और बहनों, आज के संपूर्ण दिन के लिए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें और इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अच्छी नींद प्रदान करें, हमें संरक्षण प्रदान करें। आंखें बंद कीजिए। ए सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के संपूर्ण दिन के लिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 116 वाक्य 12 और 13 में, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूं, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर उसे उसका नाम लूंगा। तेरे सारे वरदानों के लिए हम तुझे क्या दे सकते हैं पिता। आज संपूर्ण दिन में तूने हमें ऊर्जा प्रदान की, शक्ति दी, काम करने की शक्ति दी, परिश्रम के लिए फल दिया। आज संपूर्ण दिन में तूने हमें संभाल के रखा, हमारी आत्माओं की रक्षा की। उन सारे वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हम पापी हैं, स्वीकार करते हैं हमने अपराध किया है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हमारे सारे अपराधों और पापों को मिटा देना पिता, मन वचन कर्म से जो जो पाप किए हैं, पवित्रता के विरुद्ध पाप किए हैं, प्रेम के विरुद्ध पाप किए हैं, विश्वास के विरुद्ध पाप किए हैं, उन सारे पापों और अपराधों को क्षमा करना पिता, उस कलंक को मिटा देना, हमारी आत्माओं को शुद्ध करना। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 वाक्य 1 और 2 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, हम इस समय पूर्ण विश्वास करते हैं पिता कि तू हमें सुरक्षा दे सकता है, तू हमें बचा सकता है। हे पिता, अपने जीवन की एक एक बात को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, परिवार को, परिजनों को, कामकाज को, खेत खलिहान को, एक एक बात को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमें सुरक्षा प्रदान कर अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से हमें बचा के रख, हर तरह की विपत्ति से हमें बचा के रख, हमारी आत्माओं को शांति प्रदान कर। यौन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु तूने कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वही शांति हमें प्रदान कर, हम शांति में सो सके। आज की रात हमारे लिए शांति की रात हो, कल सुबह हम बड़े उत्साह के साथ उठ सके तेरी सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। अपना सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रखना इस समय, उन्हें तेरे स्पर्श का अनुभव मिले। आज रात उनके लिए आशीष रात हो, शांति की रात हो, कृपा की रात हो, अच्छे अच्छे सपना देकर उनकी आत्माओं को प्रोत्साहित कर, कल सुबह वो उठ सकें और लोगों की सेवा कर सकें, तेरी सेवा कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।